हेलो एवरीवन वेलकम टू बीपीडिया बीपीडिया आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी सो आज की हमारी वीडियो जो करंटली अपने अभी इंटरव्यू होने वाले हैं ई पी ट्वेंटी थ्री के लिए इट इज अबाउट दैट कि व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू डोंट नीड टू डू आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू तो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड और लास्ट में आपके लिए एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर तो so, प्लीज वीडियो के साथ वीडियो के अंदर हमारे साथ बने रहिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टेट अवे ट्राई स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर हम बात करें अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें प्रिपेयर करनी चाहिए चीज़, दो चीजें होती हैं दो आस्पेक्ट रहा दो शुड से वन इज द प्रेजेंटेशन वन इज द प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज द नॉलेज एस्पेक्ट, राइट तो पहली होती प्रेजेंटेशन दूसरी है आपकी नॉलेज तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नीड टू डू सो उसके लिए आपको इन दो चीजों को ध्यान में रखना है दीज आर द थिंग्स टू डू बेसिकली सिंपल बहुत ही सिंपल रखते हुए चलते थिंग्स टू डू तो आपको इन दो एस्पेक्ट में काम करना है एक आपके प्रेजेंटेशन स्किल में एक आपकी नॉलेज वाले पार्ट में अब जब प्रेजेंटेशन स्किल्स में बात करते हैं यहां पर सबसे पहले आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा अब जब मैं बात करूं बॉडी लैंग्वेज की तो उसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज का मतलब है द वे यू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉडी पोस्चर राइट right. आपका पोस्चर कैसे है क्या आप ज्यादा झुक रहे हैं हिल तो नहीं रहे आप ढंग से बैठे कि नहीं बैठे राइट right? ज्यादा फैल के तो नहीं बैठे ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ऐसे ही करना है बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल राइट आपको ज्यादा ऊपर ओवर द टॉप भी लगना अंडर द टॉप भी अंदर वो भी नहीं लगना आपको एक डिसेंट वे में लाइक लाइक एन ऑफिसर कि यू आर प्रेजेंटली आपसे जब सामने वाला बंदा बात कर रहा है तो ही शुड बी कंफर्टेबल उसका ध्यान सिर्फ आपकी बातों पे हो ना कि आपके किसी भी जगह पर राइट right? आपकी किसी किसी भी मतलब उसका ध्यान डिस्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज इस टाइप से होनी चाहिए कि वो आपकी बातों को सुन रहा हो उनके डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही कहीं ना कहीं पर यह पहला फोकस है राइट right? इसका मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपकी ड्रेसिंग सेंस भी काउंट होगी राइट ड्रेसिंग सेंस अब ड्रेसिंग सेंस के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर कौन से कपड़े डालने कौन से नहीं डालने कोट डालना है नहीं डालना है सी आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा फॉर्मल वेयर होना चाहिए ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं होना चाहिए यस yes, आप सूट भी डाल सकते हैं कोट एंड कोट पैंट भी डाल सकते हैं नहीं तो आप सिंपल एक स्वेटर प्लोग इस टाइप की चीजें भी डाल सकते हैं नॉट एन इशू राइट बट कुछ तड़कता भड़कता लाइक चेक एंड ऑल नहीं होना चाहिए प्लेन एंड फॉर्मल सोबर होना चाहिए थोड़ा सा यह ध्यान होना चाहिए आपका हेयर स्टाइल की बात करें अगर हम हेयर स्टाइल ज्यादा ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल एक फॉर्मल लुक होना चाहिए एक प्रेजेंटेबल डिसेंट लुकिंग होनी चाहिए कि बियड रखनी नहीं रखनी मैन के लिए लड़कियों की बात करें लड़कियां आप उससे साड़ी डालनी है सूट डालनी है आप दोनों चीजें वियर कर सकते हो कोई इशू नहीं आप साड़ी भी डाल सकते हो सूट भी डाल सकते हो बट इसके अलावा कुछ नहीं डालना वैसे राइट right? और साड़ी और सूट भी डालने तो वो भी डिसेंट वाले होने चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही उसमें कलर कुछ ऐसा डाल लिया आपने कुछ समथिंग लाइक दैट इट शुड बी फॉर्मल लुकिंग एंड प्रजेंटेबल आई होप आई एम मेकिंग सेंस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहूँ ये बेसिक बेसिक चीजें आज की वीडियो में सबसे जो बेसिक भी चीजों का ध्यान रखना है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा

उसका देखिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है आपकी स्टेट के बारे में आपके प्रोफेशन के बारे में आप क्या कर रहे हैं क्या जो भी इसमें वर्ड लिख दिया आपकी हॉबीज एंड ऑल एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर ये आपका नॉलेज वाला स्पेक्ट है ये आपको करने वाली चीजें हैं राइट एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वॉट यू एक्चुअली नीड टू डू अब इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट जो आपको बताना चाहता हूं वॉट यू डोंट यू शुड अवॉइड थिंग्स टू अवॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पैनल नेवर अंडर एस्टिमेट द इंटरव्यू पैनल देर इज अ अ सेइंग इज सेइंग एवरीथिंग अंडर द सन इज नोन बाय द पैनल आपको ये मान के चलना है कि उनको सब पता है राइट right? उनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर कि आप उनको बेवकूफ बना दोगे कुछ ऐसा करके नहीं नहीं, नहीं 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 उनको सब पता होता है ये मान के चलना है आपको दे आर वेरी नॉलेजेबल दे देवर इंटेलेक्ट पर्सन बहुत ही हाई इंटेलेक्ट के पर्सन होते हैं राइट काफी ऐसे ही नहीं पहुंचे वहां तक ये चीज आपको दिमाग में हर टाइम रखनी है राइट देअ डेफिनेटली ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग सेकेंड डू नॉट लाए डू नॉट लाए ये सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि वो सोचते हैं कि हम कुछ झूठ बोल के बात करके निकाल सकते हैं टल सकते हैं डोंट डू एवर डू दैट कभी भी लाइ नहीं कर आपको ऑनेस्ट रहना है ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है आपको ऑनेस्टी के साथ अपनी चीजों को कन्विक्शन के साथ समझाना है उनको यही आपका इंटरव्यू यही आपकी पर्सनैलिटी है कि आपको जो चीज बतानी है सच बतानी है झूठ की नहीं बोलनी ऑनेस्टी के साथ एक कन्विक्शन दिखना चाहिए आपकी बातों में कि यस वाई आई एम डूंग एक क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि यस दिस इज वाई आई एम डूइंग दिस एंड दिस इज फॉर इट इज आई एम नॉट लाइंग एंड दिस इज वाई क्लियर है कुछ ना कुछ एक्चुअल सही रीजन होगा उसका तभी आप उसको कर रहे हो कुछ गलती नहीं है उसमें आपको दिमाग से पहले अपने भी निकालना है झूठ नहीं बोलना और दूसरी चीज आगे बिल्कुल उसी को ढंग से प्रेजेंट करना है यही दिखता है इसी के बेसिस पे जज किया जाता है आपको राइट सो दिस इज अ थिंग थर्ड राइट एंड ओके और थर्ड थिंग है डू नॉट एग्जेजरेट द थिंग्स आपको चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना कभी भी कि भाई हमने ये कर दिया मैंने वो पार्ट तोड़ दिया मैंने ऐसे नहीं आपको सीधा हम्बल रह के डिसेंट वे में बताना है कामली उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल मतलब चीजों को शॉर्ट और क्रिस्प रखना है लेंदी भी नहीं करना दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल

so these were the some few basic tips that I wanted to give you what you what need to do and what you don't need what what you need to avoid for your interview preparation exam preparation right so if हमारा अभी अगर आपको इन सब के अलावा भी एक कंप्लीट और चाहिए यू वॉन्ट अ कंप्लीट एनालिसिस राइट तो उसका बेस्ट वे है राइट right? बेस्ट वे एक मोक इंटरव्यूज एंड अभी पीडिया हमारे ऑलरेडी हमारे ऑलरेडी एक मॉक पैनल का हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है A lot of students has already given mock interviews with us and you can also schedule a book a slot with us aap आप भी एक humse हमसे kar कर सकते हैं हमारे साथ इंटरव्यू kara करा सकते हैं और interview ke के अंदर on one aapko आपको बताया जाएगा कि क्या आपकी गलती है और were your positive aspects as well positive and negative बहुत aspects विल भी told to you और बेस्ड ऑन योर डेफ एक प्रॉपर आपको एक mock questions का पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करी जाएगी कि किस किस टाइप के questions आपको पूछे जा सकते हैं और अदर फीडबैक तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट तो फीडबैक होगा जो तो आपको लाइव इंटरव्यू मिलेगा वो भी डेफिनेटली दिया जाएगा आपको तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं उसके लिए सेपरेट है वो ऑलरेडी मेड जहां पर प्रॉपर हमने बताया हुआ कि वो बुक कैसे स्लॉट कैसे बुक करें एवरीथिंग उस वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और सपोर्ट नंबर भी मिलेगा आपको कोई भी क्वेरी आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं एंड आई हैव वन मोर वंडरफुल इंफॉर्मेशन विद यू विच इज द UPSC ट्वेंटी 2024 फोर कोर्स अगले जो 2024 के अंदर डेफिनेटली ई पी एग्जाम होने वाला है और उसके लिए अभी पीडिया ने एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है जहां पर एवरीथिंग विल बी कवर्ड यू डोंट नीड टू गो एनीर टेस्ट सीरीज से लेके नोट से लेके वेब नोट वेब आपके डेली वीकली टेस्ट से लेके डाउट सेशन से लेकर एंड द बेस्ट थिंग आपको कंप्लीट मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी इसके अंदर एवरी थिंग विल प्रोवाइडेड फॉर दिस कोर्स और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है आप उस पर क्लिक करके आप आ, लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सपोर्ट नंबर अगेन प्रोवाइडेड है कोई भी क्वेरी है उसको कॉल करके पूछ सकते हैं सो विद दिस आई विश यू एल गुड लक फॉर य्यूचर एंड डिवर्स अंटिल अवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू